नमस्कार, मैं हूं सिकंदर खान और आप देख रहे हैं जिप्सी न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे शख्सियत की जिनके अभिनय की पूरी दुनिया का हाल है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा दिग्गज अभिनेता जिसने अपने अभिनय की छाप हॉलीवुड में भी छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी जी की, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो आइए नज़र डालते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर। इसके बाबूजी का देहांत हुआ था तो मैंने बड़ी मुश्किल से 35,000 रुपए इकट्ठे करके इस कंजर को दिए थे। अभी तक तो नहीं हुई है। मैं किसी आने वाली नस्लों के लिए नहीं लड़ रहा हूं। एक बार सिनेमा के किरदार में उतरा वो हीरो तो सिनेमा जगत के 6 दशक संवार गया। 1970 के दशक से लेकर 66 साल की उम्र तक अपने अभिनय से कभी हंसाने तो कभी रुलाने वाले ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर सन 1950 में हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल पंजाब के पटियाला से पूरी की। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्राप्त की। अपने 9 साथियों के सोग में, पर देखो सिपाही कितनी जल्दी अपने आंसू पी जाता है, और क्या करेगा। लोग कभी कभी हमको समझाते हैं कि 1976 में पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ओमपुरी ने लगभग 1.5 वर्ष तक एड स्टूडियो में अभिनय की शिक्षा दी। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1973 बैच के छात्र भी रहे, जहां नसीरुद्दीन उनके साथी थे। देखिए, बहुत ही दुख का माहौल था, क्योंकि वो हमारे उन एक स्नातकों में से थे जिन्होंने कि ना सिर्फ भारतीय सिनेमा में और विश्व सिनेमा में नाम कमाया, बल्कि एक बहुत महान अभिनेता भी थे, और जिस पे कि इस इंस्टीट्यूट को गौरव था, गर्व था। तो उनके जब निधन की खबर आई तो सबको बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही एक झटका लगा, गम का माहौल था यहाँ पे। गुजरात है, गुजरात, यहाँ ना वोट है ना बाटली है। मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे जीने का मकसद मिला। प्रणव साहब, ये ओमपुरी ने हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़ के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1976 में एक मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से की, लेकिन बॉलीवुड में उनकी पहचान सन 1980 की फिल्म आक्रोश में उनके दमदार अभिनय से हुई। उन्होंने माचिस, गांधी, घायल, मालामाल वीकली, चुप चुप के और रंग दे बसंती जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किरदारों में ओमपुरी जी ने अपने अभिनय से उनमें जान फूंकी है। इसके साथ ही ओमपुरी ने कई एनिमेटेड फिल्मों के किरदारों को अपनी बुलंद आवाज देकर उन किरदारों को पर्दे पर सजीव किया है। की सरकार हम हैं, इस हवेली का फरमान, इस शहर का कानून है। अपने बेहतरीन अभिनय के कारण ओमपुरी की प्रोफेशनल लाइफ कितनी भी अच्छी रही हो, लेकिन निजी जिंदगी में उतने ही उतार चढ़ाव रहे हैं। इसके कारण कई बार वे विवादों से भी घिरे रहे। इन विवादों के बाद भी इनका असर कभी भी उनके प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं पड़ा। यही कारण है कि उन्हें कई बार विभिन्न फिल्म पुरस्कारों से अलंकृत भी किया गया। उन्हें सन 1981 में उनकी फिल्म अर्धसत्य और सन 1983 में फिल्म आरोहण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें सन 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद उन्हें सन 2004 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया। साथ ही उन्हें सन 2009 में फिल्म जगत में दिए उनके बेहतरीन योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। ओमपुरी भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने किरदारों से बल्कि अपने जीवन से भी लोगों को प्रेरित किया है। आम से चेहरे वाले लोग भी बड़े फिल्मी अदाकार बन सकते हैं, ओमपुरी इसके मिसाल बने। ओमपुरी का योगदान सिनेमा में इस बात के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाएगा। आज ओमपुरी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों और अपने किरदारों के जरिए वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जिम्सी न्यूज़।